जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत किताब का 40th चैप्टर यानी कि यूनियन टेरिटरीज देखने वाले हैं। मैं जानता हूँ ये जो वीडियो है ये प्रेसिडेंट का आने वाला था, थर्ड सेक्शन जो है लक्ष्मीकांत किताब का वो कवर करने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो यूनियन टेरिटरी है उसके पास स्केड्यूल एरियाज़ है, तो ये जो चैप्टर्स है उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फटाफट फटाफट एवरी डे मैं ये जो टॉपिक्स है लेके आऊँगा, एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर से फटाफट ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि प्रेसिडेंट को थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, वो सब हम इसके बाद कवर कर लेंगे। तो पहले ये जो सेक्शन है उसके बाद पंचायती राज कवर कर लेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है वो कवर कर लेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस जो है जल्द से जल्द मैं कवर करने की कोशिश करूँ। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियोस जो है ये विलेज तक पहुंचे। जो विलेज में कोई पढ़ रहा होगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, तो उस तक भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि उसे कोचिंग के लिए जो पैसे खर्च करने हैं वो न खर्च करना पड़े और उसका बिना कोचिंग से अपने पैसे बचा कर पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए और उसकी जो एग्ज़ाम है वो भी क्रैक हो जाए। और आप बाकी के भी जो कोर्सेज़ है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री का मैंने कोर्स बनाया है, उसके सिर्फ दो वीडियोस बाकी है, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। उससे पहले कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर तक मैंने जितने भी चैप्टर्स है सब कवर कर लिए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस है वहाँ से लेकर मैंने कवर किया है, ताकि वीडियो से बाहर कुछ भी आने की संभावना नहीं है। अब यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी हो या फिर वाजीराम के नोट्स हो, तो जितने भी नोट्स या फिर एनसीईआरटी की किताब है उन सब से मैंने वो जो वीडियोज़ है वो बनाए हैं एंशियंट हिस्ट्री के, वो एकदम हाई यील्ड सीरीज़ है, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। उसके बाद आपको बाहर का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाकर एंशियंट हिस्ट्री का भी कोर्स देख लीजिए, और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके जो रिफॉर्मर्स है, सोशो कल्चर रिफॉर्मर, उनका भी कोर्स मैंने लेकर आया हूँ, तो वो भी आप एक बार नज़र डाल दीजिए, शायद आपको फ़ायदा पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा रोज़ एक वीडियो लेकर आऊं, अगर नहीं ला पाया तो अल्टरनेट डे तो पक्का लेकर आऊंगा। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है, तो ऑब्वियसली इंडिया की है। तो इंडिया के जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश किया गया है इंडिया की टेरिटरी को। अब वो कौन सी ये 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले आती है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जो स्टेट्स हैं हमारी उनकी टेरिटरी, मतलब महाराष्ट्र की ये जो लाल दिख रहा है उतनी टेरिटरी है, बराबर है। उसके बाद केरला की, जो नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर केरला की टेरिटरी दिखेगी, यहाँ गुजरात की टेरिटरी दिखेगी, यहाँ राजस्थान की टेरिटरी दिखेगी। तो इस तरीके से टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स इस तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया है, कैटेगरी किया हुआ है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली दिखेगा आपको, यहाँ पुदुचेरी है, यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दीव दमन है, दादरा नगर हवेली है। तो इस तरीके से क्या है कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनका डिस्टिंग्विश किया हुआ है टेरिटरी के रूप में। और तीसरा आता है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द सेंटर, मतलब जो भी टेरिटरीज हम एक्वायर करेंगे वो आएगी, जैसे सिक्किम जो है हमने एक्वायर की हुई है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर हम उसे एक्वायर टेरिटरी नहीं बोलेंगे, हम उसे स्टेट बोलेंगे भारत का, एट प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से 3 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है हमारी जो टेरिटरी है भारत की उसे। अब यहाँ पर जो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स है, यहाँ पर 29 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, हमें पता है कि एट प्रेजेंट, मतलब जनवरी 2018 इसमें एट प्रेजेंट 29 स्टेट्स है हमारे भारत में, 7 यूनियन टेरिटरीज़ है, और जो टेरिटरीज़ में एक्वायर टेरिटरीज़ है वो अभी 0 है। भले ही सिक्किम जो है हमने एक्वायर की हुई है, लेकिन अभी वो एक स्टेट का रूप है, बराबर है, इसलिए वो एक्वायर टेरिटरीज़ में नहीं आएगा। तो 0 एक्वायर टेरिटरीज़ है हमारे यहाँ पे। अब जो स्टेट्स है वो एक फेडरल सिस्टम के मेंबर है, बराबर है, जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम देखी है हमने, फेडरल सिस्टम देखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। तो वो हमारे फेडरल सिस्टम का एक भाग है, मतलब जितनी ज्यूरिसडिक्शन सेंटर को मिली है अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में दोनों काम करते हैं, भली वो सेंटर हो या स्टेट हो।
अपने अपने उनको पावर मिली हुई है, अपने अपने पावर में, अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में दोनों काम करते हैं। एक के पास स्टेट लिस्ट है, एक के पास यूनियन लिस्ट है, दोनों के पास कॉन्करेंट लिस्ट है, अपने अपने हिसाब से लॉज बनाते हैं। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर, अब यहाँ पर जो सेंटर है उसके साथ पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो स्टेट है उसे भी पावर मिली हुई है, अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है वो भी स्टेट को मिला हुआ है। अब यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं सेंटर के, मतलब यहाँ उन्हें अपना खुद का जो पावर है वो नहीं मिला हुआ है। भले जो पुदुचेरी और दिल्ली है उन्हें अपना अपना किस तरीके से, किस स्वरूप में पावर मिला हुआ है और कितना ऑटोनोमस पावर मिला हुआ है वो हम आगे वीडियो जिस तरीके से जाएगा उस तरीके से देखेंगे, लेकिन जो भी यूनियन टेरिटरीज है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं किसके, तो सेंटर के। अब यहाँ पर क्रिएशन क्यों हुआ, क्रिएशन किस तरीके से हुआ यूनियन टेरिटरीज का, वो हम देखेंगे। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश रूल में कुछ एरियाज़ को उन्होंने स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐसा घोषित किया था 1874 में कि भाई स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट है हमारे। अब ये जो है ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस इस तरीके से जाने जाते थे कि ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है। अब ये जो है इन्हें कैटेगरी पार्ट 3 और पार्ट डी में रखा गया था, जो भी कैटेगराइज किए थे। अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो उसमें कैटेगराइजेशन किया हुआ था, जितने भी स्टेट्स हो या फिर प्रोविंसेस हो उनका कैटेगराइजेशन किया हुआ था। तो इसमें जो यूनियन टेरिटरीज है उन्हें किस कैटेगरी में डाला हुआ था, तो पार्ट सी एंड पार्ट डी में डाला हुआ था। 1956 में सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू यूनियन टेरिटरीज जो है उसे नाम दिया गया और उसे घोषित किया गया। अब यहाँ पर क्रिएशन हमने देख लिया कि यूनियन टेरिटरी का किस तरीके से हुआ। अंग्रेजों के ज़माने में क्या था, स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन्हें चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहा जाता था, पार्ट सी पार्ट डी में डाला हुआ था जो कैटेगरीज किए हुए थे। उसके बाद 1956 में सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए यूनियन टेरिटरी उन्हें घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो 7 यूनियन टेरिटरीज है, आपको जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, अब देखिए उनके जो ब्लैक स्पॉट्स है ये उनकी पोजिशन नहीं है, लेकिन सिर्फ ध्यान जाए आपका इसलिए वो बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो उनकी मेन पोजिशन ये है पूरी की पूरी। यहाँ पर जो आपको ब्लैक स्पॉट नीचे दिख रहा है, ये जो ब्लैक स्पॉट मैंने दिया हुआ है ये सिर्फ आपको, आपका सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए कि यहाँ यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज है वो है। जैसे यहाँ पर देखिए आप पुदुचेरी है, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ दादरा नगर हवेली है, यहाँ दमन एंड दीव है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर चंडीगढ़ है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब उसमें से कौन से सुपेरियर है या कहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर 1992 में दिल्ली जो है वो रीडेसिग्नेट किया गया एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी किस तरीके से किया गया, इस वजह से इसे क्या पावर मिली, ये सब हम आगे देखेंगे जिस तरीके से वीडियो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर रीजंस क्या थे, अब यूनियन टेरिटरी क्रिएट करने के रीजंस क्या थे, तो सबसे पहला रीज़न था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। यहाँ पर जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है उसके ज़रिए यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी बने थे, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़। अब देखोगे अगर आप, ये मिडल में है, बराबर है, मतलब इसके आजू बाजू में कोई भी जो कोस्टल एरिया है वो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन यहाँ पर करने पड़ेंगे, बराबर है। उसके बाद कल्चरल डिस्टिंक्टनेस, जैसे कि पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पर जो कल्चर है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट है, कल्चर की वजह से इन्हें यूनियन टेरिटरी जो है वो घोषित कर दिया गया था। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, अब कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड पे एट ए टाइम 3 हमारे यहाँ पर ऐसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की कुछ है, अब वो क्या है आप मुझे बताइए, तीनों चीज़ें अंडमान निकोबार आइलैंड पर मौजूद है, अब वो कौन सी 3 चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आता है स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास पीपल, अब जो भी बैकवर्ड क्लास पीपल हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये लेकिन बाद में अभी हम जानते हैं कि ये सारे जो है अभी स्टेट्स बन चुके हैं, अभी ये यूनियन टेरिटरीज नहीं है। हमारे यहाँ पर सिर्फ सिर्फ 7 यूनियन टेरिटरीज हैं और 29 स्टेट्स हैं। तो ये जो थे वो रीजंस थे कि यूनियन टेरिटरीज हमारे यहाँ पर क्यों बनी है। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन था, उसके बाद कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस था, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, और स्पेशल ट्रीटमेंट जो बैकवर्ड जो क्लास पीपल है उनके लिए, पर वो अभी स्टेट्स बन चुके हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अब यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, उनका रेगुलेशन किस तरीके से होगा, वहाँ पर लॉज कौन बनाएंगे, उसके बाद
वहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें होगी वो किस तरीके से होगी, कौन ऑर्गेनाइज़ करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा यूनियन टेरिटरी का, आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। नो यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 29 स्टेट्स है, 29 स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर होते हैं, बराबर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर ये 29 के 29 स्टेट्स जो है वो लॉज बना सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू लिए जाएंगे, जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो स्टेट लिस्ट पर जितने भी सब्जेक्ट्स है उस पर बेस्ड लॉज बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई भी स्टेट में चले जाओ आप, वहाँ पर आपको चीफ मिनिस्टर दिखेगा ही। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज में जाओगे तो हर जगह आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके नाम भी अलग अलग दिखेंगे, कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। तो इस तरीके से नाम भी जो है, नाम भी अलग अलग देखने को मिलेंगे, और उसके बाद उनकी जो पावर है वो भी अलग अलग देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो भी लॉज है, जो भी रेगुलेशंस है, वो कौन करेगा, किस हिसाब से करेगा, वहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूनियन टेरिटरीज़ के। एवरी यूनियन टेरिटरी इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, नॉट लाइक गवर्नर। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर हेड होते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर मेन है जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए। मतलब यूनियन टेरिटरीज के माए बाप कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अब सारी यूनियन टेरिटरीज पे एट अ टाइम ध्यान तो रख सकते नहीं है, इसलिए उनके एक क्या बोलेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटर, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक इंसान को रख देंगे वहाँ पर, जिसके वजह से जो भी डिसीजंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेगा वो वहाँ पर अपने डिसीजन जो है वो लेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो भी डिसीजंस है, जो भी चीज़ें हैं वो कौन कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके बिहाफ में उन्होंने एक इंसान रखा है वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर रखा है, जो भी प्रेसिडेंट के बोलने पर वहाँ पर जो भी डिसीजंस लगते हैं वो वहाँ पर डिसीजंस लिए जाएंगे। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं गवर्नर जैसे नहीं होते हैं, जैसे गवर्नर जो है उनके लिए एक सेपरेट, एक हमारे यहाँ पर क्या है, तो एक सेपरेट टॉपिक बनाया हुआ है, बराबर है, गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, उनका सारे स्टेट में एक ही नाम है गवर्नर, बराबर है, उनकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हो, जितनी भी टेनियर हो, जो कुछ भी हो, वो सब हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो प्रेसिडेंट के एक एजेंट होते हैं, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और यहाँ पर वो गवर्नर को जो जो पावर मिली हुई है उस तरीके की पावर यहाँ पर उन्हें मिलती नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास यहाँ पर पूरी पावर है, वो एक कबाली है कि यहाँ पर जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, एटलीस्ट 7 यूनियन टेरिटरीज पे यहाँ पर मेरा राज है, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से वो ला सकते हैं या नहीं वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अपने बिहाफ में एक एडमिनिस्ट्रेटर को रखते हैं, जो कि उनके बिहाफ में यूनियन टेरिटरीज में जो भी डिसीजंस हो वो लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डिसिग्नेशन। अब यहाँ पर जो डिसिग्नेशन हो कि क्या बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाएगा, चीफ कमिश्नर बोला जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाएगा, ये भी डिसाइड कौन करेगा, तो ये भी प्रेसिडेंट करेंगे। नहीं नहीं यार, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये नाम सूट होता है तो ये नाम रखो, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रखो, यहाँ पर चीफ कमिश्नर रखो, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रखो, तो जो भी नाम उन्हें पसंद आते हैं वो नाम वहाँ पर रख देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है स्पेसिफिकली नाम दिए हुए हैं, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि क्या डिसिग्नेशन यहाँ पर देना है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर देखिए, जो गवर्नर होते हैं, जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं, उन्हें भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पर अगर एडजॉइनिंग कोई यूनियन टेरिटरी होगी, जैसे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तो पास में कौन सा पड़ेगा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नर होंगे, उसके बाद जो भी होंगे वहाँ पर आसपास में जितनी भी होंगी यूनियन टेरिटरीज जो होगी उसके पास अगर कोई गवर्नर है, उन्हें भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बना सकते हैं।
कौन बना सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के हाथ में वो पावर दी गई है। अब यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली की, मतलब कब, 1992 में, एंड पुदुचेरी 1963 में, आर प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली को कब दी गई, तो 1992 में दी गई। पुदुचेरी को कब दी गई, तो 1963 में दी गई। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मतलब यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे 29 जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसी तरीके से जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें जो दो यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ दो जगह पर चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी यहाँ पर स्थापित की गई है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंट है या जो हमारी सेंटर है, वो यहाँ पर अपने हिसाब से रूल जो है वो ला सकती है। मतलब अगर वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है भी, अगर दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उन्हें जो बाकी स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, जो यहाँ के फडणवीस साहब, मतलब यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास जितनी भी पावर होगी, वो सारी की सारी पावर जो है वो दिल्ली और पुदुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे उन्हें नहीं मिलती है। और वो क्यों नहीं मिलती है, किस तरीके से नहीं मिलती है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर जो सेंटर है उनके पास यहाँ पर जो कमांड है वो होती है, जैसे कि वो जितनी भी तीन लिस्ट है, जैसे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उन पर अपने जो लॉज है वो बना सकते हैं, इवन फॉर दिल्ली एंड पुदुचेरी। अगर आप बाकी स्टेट्स देखोगे, 29 स्टेट्स, उसमें जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उस पर लॉज बनाने का अधिकार किसको है, तो सिर्फ स्टेट को है। अब कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसमें सेंटर जो है वो भी लॉ बना सकती है, वो कौन से हैं, तो हमने ऑलरेडी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी, जो दिल्ली और पुदुचेरी है उसमें भी लॉज जो है वो सेंटर बना सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भले ही दिल्ली और पुदुचेरी के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंट्रोल किसका भारी है, किसका प्रिवेल करता है, तो सेंटर का प्रिवेल करता है, मोदी जी का प्रिवेल करता है। पुदुचेरी कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये दो यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये स्टेट लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज नहीं बना सकती है, इसका ये मतलब नहीं है। भले ही सेंटर जो है वो इनके स्टेट लिस्ट पर भी लॉज बना सकती है, दिल्ली और पुदुचेरी के, लेकिन यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी जो है ये अपनी जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट हो और कॉन्करेंट लिस्ट हो, उस पर भी लॉज जो है वो तो बना ही सकती है। मतलब ये जो पावर है ये दिल्ली और पुदुचेरी को मिला हुआ है कि आप स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, दोनों पर आप जो लॉज है वो बना सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली है वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इस पर लॉज नहीं बना सकती है। जैसा कि आप देखते होंगे काफ़ी न्यूज़ में चलता है कि केजरीवाल साहब बोलते हैं कि पुलिस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, पुलिस हमारे हिसाब से काम नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब पब्लिक ऑर्डर हो, पुलिस हो या फिर लैंड हो, इस पर जो दिल्ली के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, वो यहाँ पर लॉज जो है वो नहीं बना सकते हैं। मतलब भले ही पुदुचेरी और दिल्ली को ये हक मिला हुआ है कि आप स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज बना सकते हो, लेकिन दिल्ली को ये हक नहीं मिला है कि आप पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर भी जो अपने लॉज है, रूल्स है, वो बना सको। यहाँ पर दिल्ली को रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपने रूल्स, रेगुलेशंस ला सकते हैं, काय के लिए, तो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए, किसमें, तो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो इसमें प्रेसिडेंट जो है अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकते हैं। उसके प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग लॉज व्हेन असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व इन केस ऑफ पुदुचेरी। प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉज ला सकते हैं यहाँ पर, जब भी असेंबली जो है वो सस्पेंड रहेगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी इन केस ऑफ पुदुचेरी। यहाँ पर पुदुचेरी जो है वो कभी भी अगर सस्पेंड होती है या फिर डिसॉल्व होती है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, जो भी लॉज है वो अपने हिसाब से ला सकते हैं। रेगुलेशंस मेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ सेम फोर्स एंड इफेक्ट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पुदुचेरी जो है ये शब्द क्यों लाया गया है, दिल्ली क्यों नहीं लाया गया है, तो दिल्ली के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में, तब हमें यह पता चलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉज जो है वो बना सकते हैं,
असेंबली सस्पेंड जब होगी, सस्पेंड कब होगी, जब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तब सस्पेंड होती है, या फिर किसी भी तरीके से सस्पेंड हो गई। डिसॉल्व कब होती है, जब वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, या फिर रेसिग्नेशन दिया जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे डिसॉल्व हो जाए, इन केस ऑफ पुद्दुचेरी। तो अगर सस्पेंड होती है और डिसॉल्व होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर लॉज जो है वो बना सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं बाय मेकिंग लॉज, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन जो है प्रेसिडेंट बनाएंगे उसका सेम फोर्स और इफेक्ट रहेगा एज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर अपना एक्ट लाएगा, अपना एक्ट लाता है, तो उसमें जितनी पावर होती है, उसमें जितना फोर्स होता है, उतना ही प्रेसिडेंट जब भी रेगुलेशंस यहाँ पर लाएंगे उसमें भी उतनी ही पावर रहेगी। कैन ऑल्सो रिपेल और अमेंड एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिलेशन टू यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर ये अमेंड भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं पार्लियामेंट की कोई भी लॉज रिलेटिंग टू यूनियन टेरिटरीज। अगर यहाँ पर जो सेंटर है उन्होंने यहाँ पर कोई भी लॉ लाया है जो कि यूनियन टेरिटरीज पे अप्लीकेबल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो लॉज है यहाँ पर काम नहीं करेंगे, मुझे अमेंड करना है या फिर ये रिपेल ही करना है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पूरा हक है। उसके बाद पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज और पुट इट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी एडजेसेंट हाई कोर्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी रेगुलेशंस है, जितना भी रूल्स ला सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, लेकिन यहाँ पर अगर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करना है किसी यूनियन टेरिटरी में, या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी को एडजेसेंट हाई कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन में डालना है, तो उसका हक किसको है, तो वो पार्लियामेंट को है, ठीक है। दिल्ली एक इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो किसी न किसी के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, किसी न किसी स्टेट के हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। दिल्ली ही एक ऐसा है जिसका खुद का एक सेपरेट हाई कोर्ट है। नो प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज। अब यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो एक्वायर्ड टेरिटरीज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर यूनियन स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, स्टेट लिस्ट है, हाई कोर्ट रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दी हुई है, हमारे संविधान में दी हुई है। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो दी हुई है कि प्रेसिडेंट के पास हक है अपना एडमिनिस्ट्रेटर चुनने का। उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो किस तरीके से होगा, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ते आए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे संविधान में दी हुई है। लेकिन जो भी एक्वायर्ड टेरिटरी है, जैसे हमने तीन देखे थे स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा तो तीन कैटेगरीज में गिराए हुए थे। जैसा पहला था टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, 29 स्टेट्स थे, टेरिटरीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब 7 यूनियन टेरिटरीज थी, और तीसरा था एक्वायर्ड टेरिटरीज। अब यहाँ पर जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए, वो प्रोविजंस हमारे यहाँ पर नहीं दिए हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है यूनियन टेरिटरीज का, वो एक्वायर्ड टेरिटरीज पर भी अप्लाई होता है। मतलब क्या है कि जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज रहेगी, अगर इन फ्यूचर कोई भारत जो है वो किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है, तो वहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनियन टेरिटरीज का जिस तरीके से होता है उसी तरीके से किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट है और यूनियन टेरिटरीज है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को अपने कब्जे में लेता है, कलकत्ता जो है वो अंडमान निकोबार को लेता है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ को लेता है, केरला जो है वो लक्षद्वीप को लेता है, और मद्रास जो है वो पुदुचेरी को लेता है। तो आप देख सकते हो जो पास पास में है उस तरीके से पूरा किया हुआ है ये, तो इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है याद रखना, मैथ्स द पेयर में पूछ सकते हैं ये सब। तो देखिए आप, सीधा जो कलकत्ता है वो उधर साइड आता है, तो सीधा अंडमान निकोबार से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद जो पंजाब एंड हरियाणा है उसके तो पास चंडीगढ़ है, तो ये तो कोई इतना मुश्किल बात है नहीं। उसके बाद जो केरला है वो लक्षद्वीप, केरला जो है वो लक्षद्वीप के पास आता है, इसलिए वो भी कोई ये है नहीं। मद्रास पुदुचेरी दोनों पास पास में है, इसलिए वो भी कोई याद रखने का कुछ इतना है नहीं। तो जो भी पास पास में आपको दिखेगा वो मैच द पेयर में आप अप्लाई कर सकते हो। उसका स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। अब दिल्ली के लिए कुछ स्पेशल स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो वो प्रोविजंस क्या है वो हम यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि देखिए, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यूनियन टेरिटरी जो थी दिल्ली की, उसको एक स्पेशल स्टेटस यहाँ पर दिया गया 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 के जरिए। जैसे कि रीडेसिग्नेट किया गया एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने देखा हमारी जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर भारत की कैपिटल पूछी जाए कौन सी है, तो कौन सी है, तो दिल्ली है। तो यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है इसे रीडेसिग्नेट किया गया। उसके बाद डेसिग्नेटेड द एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पर जो
एडमिनिस्ट्रेटर है उसे डेसिग्नेशन दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पर उसके बाद क्रिएटेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी क्रिएट किए गए हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो कितनी है, तो स्ट्रेंथ जो है वो 70 मेंबर्स है। जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं असेंबली जो होती है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे महाराष्ट्र में 288 है। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में और सबसे कम कौन से स्टेट में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो 70 रखी गई है। अब इसमें लोग चुनकर कैसे आते हैं, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, केजरीवाल साहब जो है डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए हैं पीपल से, लोगों ने उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया है। जो वहाँ पर आप पार्टी बनी है वो डायरेक्टली इलेक्टेड की हुई हुई है लोगों के ज़रिए, इसलिए वहाँ पर वो अभी राज कर रही है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शंस है वो कौन कंडक्ट करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जो सेंटर है उसके भी इलेक्शन कंडक्ट करता है, जो स्टेट असेंबली हो, जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं अभी यूनियन टेरिटरी की नहीं, जो स्टेट असेंबली है उसके भी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है। अब वहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो कौन से, तो लोकल बॉडीज जो होती है उनके इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये करती है, कंडक्ट करती है। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर यूनियन के जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो वो कौन कंडक्ट करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। सेम उसी तरीके से जो दिल्ली है उसके भी जो इलेक्शंस है वो कौन कंडक्ट करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉज बना सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था दिल्ली और पुदुचेरी दोनों को यह हक है कि वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉज बना सके। लेकिन जो दिल्ली है वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन पर अपने जो लॉज है वो नहीं बना सकती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जो केजरीवाल साहब है, केजरीवाल साहब ज़मीन पर चल रहे हैं, लैंड पर चल रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो उनसे कुछ मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो थोड़ी गर्दी हो गई है, शाही वाही इंक विंक जो है वो फेंकना हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे केजरीवाल, बराबर है। यहाँ पर वो लैंड पर चल तो रहे हैं लेकिन इंक विंक फेंक दी तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और जो पुलिस है वो भी उनका साथ नहीं दे रही है, वो भी इधर उधर ही भागा दौड़ी कर रही है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इस पर जो है लॉज नहीं बना सकते हैं जो दिल्ली असेंबली है वो। उसके बाद लॉज ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेल्स ओवर दोज बाय द असेंबली। अब यहाँ पर असेंबली ने अगर कोई लॉ बना भी दी स्टेट लिस्ट में, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसी पर कोई काउंटर अपना लॉ बनाया, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बराबर है। अगर केजरीवाल साहब ने बोल दिए कि स्टेट लिस्ट में सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी दिल्ली में जितनी भी चीज़ें होगी, जितनी भी हवा है, उस पर मैं टैक्स लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सेंटर ने बोल दिया नहीं, हवा पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इनहेल करने पे टैक्स लगेगा, एक्सहेल करने पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि इनहेल और एक्सहेल दोनों पर टैक्स लगेगा, लेकिन जो सेंटर है वो बोल रहे हैं सिर्फ इनहेल करने पर टैक्स लगेगा, एक्सहेल करने पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसका प्रिवेल किया जाएगा, यहाँ पर सेंटर का प्रिवेल किया जाएगा। जो सेंटर बोलेगी, जो मोदी जी बोलेंगे, वो यहाँ पर सुना जाएगा, वो यहाँ पर समझा जाएगा। मतलब मोदी जी जो है वो यहाँ पर इतने खुश हो जाएंगे क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो इस तरीके से यहाँ पर काम हो जाएगा। जो लॉज है वो कौन से प्रिवेल करेंगे, तो पार्लियामेंट के लॉज जो है वो यहाँ पर प्रिवेल करेंगे। उसका स्ट्रेंथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो 10% फिक्स की गई है। स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कितनी स्ट्रेंथ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद एक CM एंड 6 अदर मिनिस्टर्स, मतलब टोटल कितने हैं, तो 7। 10% हमने देखा था स्ट्रेंथ कितनी है टोटल असेंबली की, तो 70 है। उसके 10% मतलब 7 मिनिस्टर्स यहाँ पर रहेंगे, एक चीफ मिनिस्टर और 6 अदर मिनिस्टर्स। उसके CM इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें कौन अपॉइंट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है जो भी गवर्नर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के, तो वो कौन है, वो तो एक एजेंट है प्रेसिडेंट के, बराबर है। इसलिए यहाँ पर अगर कोई मेन चीज़ है, मेन चीज़ अगर कोई करनी है, तो वो कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट करेंगे। इसलिए चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे। बाकी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करेंगे, और एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, सेम जो स्टेट में होता है वही है।
मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर जितने भी प्रेसिडेंट का प्लेजर हो उस तरीके से यहाँ पर होल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब बोलेंगे निकल जाएंगे, इस तरीके का नहीं है। यहाँ पर जब तक मेजोरिटी वो अपनी प्रूफ करके रख रहे हैं तब तक वो यहीं पर रहेंगे, जैसा कि स्टेट में भी है। अब मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी आपका साथ साथ में हो जाएगा, वो भी आपका साथ साथ में हो जाएगा, मतलब आपकी एक रिवीजन टाइप हो जाएगी। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। जब भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो अपने डिस्क्रिशन में जब भी एक्ट करते हैं तो वो छोड़कर, जैसे कि गवर्नर को भी पावर है अपने डिस्क्रिशन में एक्ट करने की, बराबर है, लेकिन गवर्नर की जो भी चीज़ है उसकी डिस्क्रिशन में आती है या नहीं आती है, उसका हक किसको है, तो वो गवर्नर को ही है। अब यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जब उनका डिस्क्रिशनरी पावर हो वो छोड़कर जब भी कोई डिसीजन लेना हो वो किसके एड एंड एडवाइस पर लेंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनकी ही एड एंड एडवाइस पर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इन पास्ट, जो अभी की सरकार है केजरीवाल की सरकार है उन्हीं के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हीं के साथ काफ़ी जो उनकी मतलब बहस वगैरह हो चुकी थी, तो उस वजह से क्या है, केजरीवाल साहब बोलते थे हाँ हाँ करना है करना है, ये बोलते थे नहीं 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 करना है नहीं करना है, तो इस तरीके से इस इसमें क्या हो रहा है, इस इसमें काफ़ी जो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन के तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो रेफर करेगा मैटर जो है वो प्रेसिडेंट को, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, जैसा प्रेसिडेंट बोलेंगे उस तरीके से यहाँ पर एक्ट करेंगे। अगर फेलियर होती है, मशीनरी फेलियर होती है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हमने जो प्रेसिडेंट रूल है वो देखा था उसमें क्या था कि जब भी फेलियर होता है मशीनरी का तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्पोज करते हैं, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं आली रे आली आतामाची बारी आली। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो फिर तो कौन क्या पूरा मेरा ही राज, तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ के अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे और प्रेसिडेंट जैसा बोलेंगे उस तरीके से एक्ट करेंगे। अगर मशीनरी फेलियर होती है, अगर जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज काम नहीं करता है, प्रेसिडेंट रूल के क्या क्या रीजंस है ग्राउंड्स है वो आप प्रेसिडेंट रूल जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जाकर देख लीजिए, किसकी मेजोरिटी किस तरीके से लगती है वो सारी चीज़ें, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपना प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देंगे। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इज़ एम्पावर्ड टू प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द असेंबली। अब देखिए यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, गवर्नर यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस कब इशू करेंगे, जब पार्लियामेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर है स्टेट असेंबली है वो सेशन में ना हो, बराबर है, क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर अगर है सेशन में है तो वहाँ पर तो वही लॉज ला सकती है ना, उस पर ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत है। ऑर्डिनेंस मतलब क्या है, एक लॉज होते हैं, मतलब ये लॉ पास हो गया, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट असेंबली जो है अगर वो सेशन में है तो वहीं के सेशन में लॉज ला सकती है, लेकिन अगर रिसेस है अगर वो सेशन में नहीं चल रही है, अभी सेशन नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर कोई अर्जेंटली लॉज लाना है तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें गवर्नर के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस यहाँ पर इशू कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ का ही काम करेंगे, मतलब जो स्टेट ले असेंबली जो है उनके पास जितनी पावर रहेगी, जो वो लॉज लाएंगे तो वो लॉ में जितनी पावर रहेगी उतनी जब ऑर्डिनेंस लाएंगे गवर्नर उसमें भी उतनी ही पावर रहेगी। उसी तरीके से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर दिल्ली के, वो भी ऑर्डिनेंस प्रमुलगेट कर सकते हैं जब रिसेस हो असेंबली की, जब यहाँ पर केजरीवाल साहब जो है अपनी रिसेस हो, मतलब टिफिन उफिन खा रहे हो, तो वैसे रिसेस में यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस प्रमुलगेट कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस सेम फोर्स एंड एक्ट ऑफ द असेंबली, जैसा जितना असेंबली जब लॉज लाएंगी जितना उसका इफेक्ट रहेगा जितना उनका फोर्स रहेगा वो लॉ का, उतना ही ऑर्डिनेंस में भी उतना ही फोर्स और उतना ही जो पावर है वो रहेगी। अब ये जो है ये 6 वीक्स के अंदर अंदर जब भी असेंबली होगी, जब भी केजरीवाल साहब का डब्बा टिफिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से असेंबली को बैठेंगे, तो उस टाइम पर 6 वीक्स के अंदर अंदर जो ऑर्डिनेंस लाया है वो ऑर्डिनेंस एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये जो लॉ है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, ऑर्डिनेंस अप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे कि एक असेंबली ने बताया हुआ लॉ जो है वहाँ पर बन जाएगा। तो 6 वीक्स के अंदर अंदर ये करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम पीरियड कितना होता है ऑर्डिनेंस का वो हम पढ़ेंगे ही जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। उसके बाद कैन विड्रॉ ऑर्डिनेंस एनी टाइम, अब ये जो होते हैं कभी भी ऑर्डिनेंस जो है अपना निकाल सकते हैं। कैन नॉट प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे
अगर यहाँ पर जो असेंबली है अगर वो सस्पेंड होती है, अगर वो डिसॉल्व होती है, सस्पेंड का प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा तब, डिसॉल्व का जब रेसिग्नेशन दिया जाएगा या फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर जो भी हो, मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर जब डिसॉल्व हो जाएगी या फिर उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, तो डिसॉल्व अगर हो गई उस टाइम पे यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो है वो प्रमुलगेट नहीं हो सकता है। ये बात बहुत ज़रूरी है, ऐसे टाइम पर ऑर्डिनेंस प्रमुलगेट नहीं हो सकता है जब असेंबली सस्पेंड हो या फिर डिसॉल्व हो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ रिसेस के टाइम पे हो सकता है जब सेशन में ना हो असेंबली। प्रायर परमिशन जो है प्रेसिडेंट की रिक्वायर रहेगी ऑर्डिनेंस के लिए, क्योंकि ये एक एजेंट है, तो अगर इन्हें जो कुछ भी करना है तो उसके लिए प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की लेनी ही पड़ेगी। तो एक बार आप ये हमेशा ये ध्यान में रखना कि कभी भी अगर ऑर्डिनेंस निकालना है या फिर कोई भी चीज़ करनी है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट का सलाह लेना ही पड़ेगा। अब ये छोटी मोटी चीज़ें होती है कि यहाँ का पत्थर वहाँ रखना है, तो उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट की ऑर्डर कुछ लगेगी नहीं, लेकिन जो भी लॉज वहाँ पर बनाने हैं तो उसके लिए प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंडियन टेरिटरी देखते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड बजट सर्विस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन देखता है, किस कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद ऑल फाइव यूनियन टेरिटरीज विदाउट असेंबली हैव द फॉर्म ऑफ होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी HMAC। ये सारी जितनी 5 यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास असेंबली नहीं है, उनका खुद का एक होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी उनके पास होती है। अब ये जो है होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी, वो चेयर कौन करता है, तो यूनियन होम मिनिस्टर ये चेयर करते हैं। यूनियन के जो होम मिनिस्टर है वो यहाँ पर चेयर करते हैं होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी को, जो 5 यूनियन टेरिटरीज़ है जहाँ पर असेंबली नहीं है, क्योंकि दो जगह असेंबली है, कौन सी है, दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ पर जो कमेटी है वो डिस्कस करते हैं जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर वो कमेटी क्या करेगी, तो डिस्कशन करेगी जनरल इश्यूज जो है, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज किस तरीके से होना चाहिए, तो इसके लिए ये जो कमेटी है डिस्कस करेगी जितने भी जनरल इश्यूज है वो। तो यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी के जो रोल है वो यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी ये चेयर कौन करते हैं, तो यूनियन होम मिनिस्टर करते हैं, और ये क्या करते हैं, तो डिस्कस करते हैं जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, जैसे स्टेट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटरी यूनिटरी ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, खुद की एक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ रखकर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, यूनियन टेरिटरी का यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर जो है अपना पूरा पावर वहाँ पर दिखा सकती है, जो स्टेट लिस्ट हो उस पर भी अपने लॉज बना सकती है, और अगर जहाँ पर असेंबली है अगर वो स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाती है तो फिर भी प्रिवेल किसका लॉ करेगा, तो यूनियन का ही लॉ करेगा। उसके बाद हेड कौन होते हैं, यहाँ पर गवर्नर होते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के जरिए किया हुआ, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, यहाँ पर उनके एक एजेंट होते हैं, बराबर है। उसके बाद एरिया जो है इनका लार्ज होता है, इसका स्मॉल होता है, ऑटोनॉमी इन्हें मिलती है इन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि ये किसके अंडर में आते हैं, तो सेंटर के अंडर में आते हैं। अब वहाँ पर दिल्ली भी जो है, दिल्ली भी उनके पास असेंबली भी हो, उनके पास चीफ मिनिस्टर भी हो, इलेक्टेड बाय द पीपल भी हो, लेकिन फिर भी स्टेट लिस्ट पर कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज भी बना सकते हो, लेकिन 3 चीज़ें छोड़कर बना सकते हैं, कौन से हैं, तो केजरीवाल साहब रोड पर चल रहे हैं, मतलब लैंड, वहाँ पर लोग जो है उन्होंने शाही वाही फेंक दी, मतलब पब्लिक ऑर्डर, वो हाइपोथेटिकली याद रखने के लिए सिर्फ ये, तो शाही वाही फेंक दी तो पब्लिक ऑर्डर, और पुलिस जो है वो भी उनकी मदद नहीं कर रही है, तो पुलिस, क्योंकि पुलिस तो चिढ़ती ही है उन पर। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद भी अगर वो स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाते हैं और पार्लियामेंट भी सेम स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाता है, जैसे कि इन्हेल और एक्सेल दोनों पर टैक्स,
और स्टेट सेंटर बोल रहे हैं नहीं, सी बी नेल पर टैक्स रहेगा, एक्सेल पर नहीं रहेगा, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो मोदी जी का लॉ प्रिवेल करेगा, मोदी जी नाच भी रहे थे। तो इस तरीके से आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सब याद हो गई होंगी अभी, जो भी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा जो यूनियन टेरिटरी चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, नहीं पसंद आया तो मत कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन डिसलाइक क्यों किया आपने वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपको पसंद भी आया तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।